अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुश आमदीद। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो खबर बता रहे हैं वो खबर है हर हाल में अपने फ़र्ज को निभाने की खबर, जिसे निभाने में आज पूरी तरह से कामयाब रहे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके एक महिला रेल यात्री की जान बचाई है। ये घटना हुई है बुधवार की सुबह मुमरा रेलवे स्टेशन पर। मुमरा रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:15 के लगभग लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन आती है। इस लोकल ट्रेन से मुमरा से जो है काफ़ी सारी कामकाजी महिलाएं रोज़ाना सफ़र करती है। इसी तरह से बुधवार की सुबह एक महिला जो है यात्री इस ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सुबह का समय होने के कारण भले ही ये लेडीज स्पेशल ट्रेन थी, फिर भी इसमें महिलाओं की भीड़ अच्छी खासी थी। इस अच्छी खासी भीड़ की वजह से ये महिला जो है ट्रेन में चढ़ नहीं पाई, और जब ट्रेन शुरू होने ही जा रही थी उसी वक्त इस महिला ने ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया। ये एक फ़र्ज़ की जो नज़र थी उस पर गड़ी हुई थी, और ये फ़र्ज़ की नज़र जो थी वो मुमरा रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो टीम है उसका एक हिस्सा जो है कांस्टेबल हसन पटेल, ये उनकी नज़र थी। इस डब्बे के सामने बराबर खड़े कांस्टेबल हसन पटेल इस महिला पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। वो देख रहे थे कि ये महिला जो है इस ट्रेन में चढ़ने के विचार में है, चढ़ने के प्रयास में है, लेकिन चढ़ नहीं पा रही है। और जैसे ही ट्रेन शुरू हुई और ये महिला इस डिब्बे में चढ़ने का प्रयास करने लगी, उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया, और संतुलन बिगड़ जाने के कारण वो गिरने लगी। गिरने के दौरान दौड़ते हुए लपक करके 4 कदम की दूरी पर ही खड़े कांस्टेबल हसन पटेल ने उसे पकड़ लिया, और उसी दौरान पीछे से एक और यात्री ने आकर के हसन पटेल की मदद की। एंड वक्त पर उसी समय पर अपनी सतर्कता और अपनी नज़रें गड़ाए रख करके हसन पटेल ने अगर इस महिला को पकड़ा नहीं होता तो ये महिला जो है ये फुटबोर्ड और प्लेटफॉर्म के बीच का जो गैप है उस गैप में गिर जाती और शायद ये इस दुनिया में नहीं रहती। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, इस कहावत को आज हसन पटेल के फर्ज ने और उनकी सतर्कता ने जो है कायम कर दिया, और इस महिला की जान को जो है आज उन्होंने अपनी चौकन्ना रहने वाली नज़रों को कायम रखते हुए बचा लिया। हसन पटेल की एक और विशेषता इस खबर के साथ हम आपको बताएं कि हसन पटेल ने जिस महिला को बचाया उसका नाम हमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इन कर्मचारियों और टीम द्वारा जो मिला है वो है शारदा। और हसन पटेल रोज़ा रख करके अपने फ़र्ज को जो है मुमरा रेलवे स्टेशन पर पूरा कर रहे थे, और ये रोज़े की भी हो सकता है कि एक तकवियत थी, एक कमाल था कि पूरी तरह से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रह करके हसन पटेल ने इस महिला को आज बचाने का काम किया है। मुमरा रेलवे स्टेशन पर इस खबर को पता चलने के बाद जब हम कवर करने के लिए पहुंचे तो काफ़ी देरी हो चुकी थी, लेकिन वहां उस स्टेशन परिसर में जितने भी लोगों को ये घटना पता थी उन सब ने हसन पटेल की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके इस कार्य को उन्होंने सराहा है। उसी तरह से हमने इस घटना को लेकर के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के थाने के जो सीनियर PI है पांडव साहब, उनसे भी बात की। उन्होंने भी जो है हसन पटेल की कार्य की जो है स्तुति की, और मुमरा पुलिस स्टेशन में खास करके इस स्टेशन के जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंचार्ज है पुलिस उपनिरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर AK यादव, उन्होंने जो है इस मामले में जो है बताया कि हसन पटेल ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो है सीना आज चौड़ा किया है और हमारी गर्दनें आज जो है गर्व से तनी हुई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उनके जैसे सजग, सतर्क और ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले कर्मचारियों का, जो कि रोजे की हालत में भी आराम न करते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े रह करके आने जाने वाली महिला यात्रियों पर, अन्य यात्रियों पर अपनी नज़रें बनाए हुए और संकट के समय पर जो है उनकी मदद के लिए दौड़ रहे हैं। रोज़ा रख करके रोज़ाना मुंबई की लोकल ट्रेन से आने जाने वाली महिलाओं की मदद के लिए खड़े रह करके प्लेटफॉर्म पर उन पर नज़र बनाए रख करके उनकी मदद करना, इसी मदद में जो है आज कांस्टेबल हसन पटेल ने जिस तरह से इस महिला शारदा की जान बचाई उसकी खबर हमने आज तक आज पहुंचाई है। जल्द ही हाजिर होंगे हम अपनी इसी तरह की एक अगली खबर के साथ।